हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू में आप सभी का स्वागत है। जीएसएससी पंचायत सचिव के लिए इस वीडियो में मैं जीएस का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। पार्ट वन और पार्ट टू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्य, ऑप्शन पर ये राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, ये तो हमें करना ही होता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ये भी ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण, ये भी हम लोगों का कर्तव्य है। तो यानी कि उपर्युक्त सभी, ये सारे ऑप्शन है जो हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो ये फोर्थ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है एकल नागरिकता। ध्यान रखें, इंडिया में एकल नागरिकता, अगर हमसे कोई नागरिकता पूछता है, नेशनल आइडेंटिटी, तो हम बोलते हैं इंडियन। हम स्टेट में रहते हैं, इसके लिए हमें कोई भी नागरिकता नहीं देना पड़ता है, हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। सिर्फ भारत के हैं ये नागरिकता हमें चाहिए होता है। लेकिन वही अगर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में अगर आप स्टेट के लिए अलग नागरिकता प्लस आप जिस कंट्री के लिए अलग नागरिकता, यानी स्टेट और कंट्री दोनों के लिए नागरिकता होता है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता होता है। लेकिन इंडिया में एकल नागरिकता। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं? तो ये 64। नेक्स्ट है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं? तो ये है रणेंद्र, ध्यान रखना है रणेंद्र। उसके बाद ये कुछ रचना और उनके रचनाकार का नाम है, ये जेपीएससी 2016 पीटी में पूछा गया हुआ है, तो मे भी आपकी इस एग्जाम में पूछ ले। तो कोचे कडवा, सुलेमान मुर्मू, खेरवाल वंशो, धोरोम पुथी, मांझी राम दास टूडू, उसके बाद आदि धर्म, ये रामदयाल मुंडा, ये कुछ रचना और ये रचनाकार का नाम है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, तो देखिए परिवार से बिछड़ जाने पर, अगर परिवार से आप बिछड़ गए तो आपका नागरिकता थोड़ी ना खत्म हो जाता है। उसके बाद भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, काफ़ी लोग जाते हैं तो नागरिकता का कोई लोप नहीं होता। शिक्षा के लिए विदेश जाने पर ये भी नहीं होगा। देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर ये हो सकता है। तो ये सेकेंड नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा पर है, ये एक प्लेइंग इट माई वे, जो 2014 में प्रकाशित हुई, तो इसमें सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा लिखी गई है, प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है, कलेक्टर, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राज्यसभा। कुछ एक दो पॉइंट है, देख लीजिए, भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था चेन्नई में। साथ ही यदि ग्राम पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन होंगे। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। नेक्स्ट है, सीरिया का मुद्रा क्या है? देखिए, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, तो इसका आपको पता होगा कि पाउंड है, राइट? तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का करेंसी पाउंड है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके साथ आप ये ट्रिक याद रखिए, यूके लेस। जब आपको पता होगा कि इंडिया काफ़ी 2 साल तक गुलाम रहा ब्रिटेन का, और इंडिया को काफ़ी पीछे कर दिया, जैसा इंडिया था उसे काफ़ी पीछे ले गया, काफ़ी पीछे कर दिया। तो इसी ट्रिक से आप याद रखिए कि यूके लेस मतलब काफ़ी पीछे कर दिया, काफ़ी लेस कर गया, राइट? काफ़ी लेस कर गया। तो यूके से यूनाइटेड किंगडम, एल से लेबनान, ई से इजिप्ट जिसे मिस्र भी कहा जाता है, उसके बाद एस से साउदर्न सूडान और सीरिया। तो इन सभी का करेंसी पाउंड है, ठीक है? इन सभी का करेंसी क्या है? पाउंड है। तो ये ध्यान रखना है आपको, यूके लेस, लेबनान, इजिप्ट, साउदर्न सूडान, उसके बाद सीरिया। अगला प्रश्न है, मैथन डैम, मैथन हिंदी में मैथन होता है, तो मैथन डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? देखिए, पंचेत डैम दामोदर नदी पर स्थित है, उसके बाद मैथन डैम बड़ाकर नदी पे, उसके बाद देखिए ये उल्टा हो गया है, एक्चुअली ये चांडिल डैम,
चांडिल डैम ये नदी है, स्वर्ण रेखा नदी पे है। तो इसको ध्यान रखिए, चांडिल डैम है और ये स्वर्ण रेखा नदी है। तो दामोदर पंचेत डैम पर, पंचेत डैम दामोदर नदी पे, मैथन डैम बड़ाकर नदी पे, उसके बाद चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पे। मैथन डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ाकर नदी, देखिए बड़ाकर नदी दामोदर में जाकर मिलती है, और दामोदर नदी जाकर मिलती है हुगली नदी में, और हुगली नदी गंगा से निकलती है, यानी कि हुगली नदी सहायक नदी है गंगा की। उसके बाद बड़ाकर नदी झारखंड में झुमड़ी तलैया से आती है। नेक्स्ट है, झारखंड में कहां पर भारत की पहली निकेल उत्पादन सुविधा बनी है? पूरे भारत में पहली बार निकेल उत्पादन सुविधा बनी है, यह ध्यान रखना है, झारखंड के घाटशिला में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश के पहले सचल खाद्य जांच प्रयोगशाला यानी मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की शुरुआत की है? तो यह है गोवा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल 2017 में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो ये जर्मनी को हराकर, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता ऑस्ट्रेलिया, ये गोल्ड मेडल। उसके बाद अर्जेंटीना सिल्वर, और इंडिया जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, प्रख्यात हिंदी विद्वान और लेखक का नाम क्या है जिनको उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो ये है ममता कालिया। किस अभिनेत्री को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? तो ये है झारखंड की प्रियंका चोपड़ा, जो कि जमशेदपुर की है। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है, सभी को पता होगा, कृषि। कृषि से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिया है, आप इसे याद रखें। कृषि का स्वरूप जीवनदायी है झारखंड में, यानी कि ठीक है, जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हाँ आप एक्सपोर्ट में एक्सपर्ट हैं। सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है, तो धान बोई जाती है, तो इसका मतलब उत्पादन भी सर्वाधिक धान ही होता होगा अगर बोई जाती है सर्वाधिक क्षेत्र पर, और धान ही मुख्य फसल है झारखंड का। उत्पादन की दृष्टि से दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में, उसके बाद मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन, जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। ज्वार, बाजरा और आलू सबसे ज्यादा हजारीबाग में उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई? तो यह है दामोदर नदी। नेक्स्ट है, कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है अपना झारखंड में, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पंचायत सचिव वाला झारखंड। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, विद्युत परियोजना से भी कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। पॉइंट है, विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत झारखंड के अंदर वो है ताप विद्युत और जल विद्युत, जिसमें ताप विद्युत सबसे बड़ा स्रोत है। पटराटू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ में स्थित है, और इसे USSR यानी सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था, और यह नलकारी नदी पर आधारित है। चंद्रपुरा विद्युत ग्रह बोकारो जिला में स्थित है। उसके बाद तिलैया जल विद्युत परियोजना कोडरमा जिला में है, और यह बड़ाकर नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह दामोदर नदी पर आधारित है। तो ये कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है। झारखंड जीएस का वेटेज काफी ज्यादा है आपके इस एग्जामिनेशन में, तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो हमारे न्यू वीडियोज का अपडेट आपको पहले मिलेगा और आप उसे जल्द से जल्द देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।